कोरोना ने किया माँ को बेरोजगार, 14 साल का बेटा चाय बेचकर संभाल रहा है घर। मुंबई में एक 14 साल बच्चे को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी है। वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से माँ को नौकरी नहीं मिली और बहन के ऑनलाइन क्लास का खर्चा भी बढ़ गया। मुंबई के रहने वाला शुभम भिंडी बाजार एरिया में एक दुकान पर चाय बेचता है और जो भी पैसे मिलते हैं उसे वो अपने परिवार की हेल्प करता है। उसने बताया कि उसकी पिता की 12 साल पहले ही मौत हो गई थी। शुभम ने बताया कि चाय बेचकर वो रोजाना लगभग 300 से 400 रुपए कमा लेता है और माँ को पैसे देने के बाद बची कुची रकम को फ्यूचर के लिए सेव करता है। शुभम की कहानी सुनने के बाद कई लोग उसकी हेल्प के लिए भी सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया न्यूज़।